नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। भाजपा के द्वारा 2024 की तैयारी जो है शुरू हो गई है और उसी का एक उदाहरण जो है आप सभी के सामने है, जहां भाजपा कार्यालय के सामने दो दो पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में सीधे तौर पे भाजपा ने महागठबंधन को ठगने वाली सरकार बता दी है। आप पोस्टर के जरिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा ने महागठबंधन पे कटाक्ष किया है पोस्टर के जरिए, और देख सकते हैं कि पोस्टर में भाजपा ने कहा है कि जब हमारी सरकार थी यानी जदयू के साथ जब हम सरकार में थे तो हमने 2020-21 में रिकॉर्ड 36 लाख मिलिट्रिक टन की धान की खरीद एवं दलहन की खरीद को एमएसपी पर सुनिश्चित किया था। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए भी 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई थी। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई को भी हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने की कवायद की थी। साथ ही साथ पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 और 21-22 में कुल लगभग 10 लाख घरों को निर्माण कराया था जब हम बिहार में गठबंधन में सरकार में थे तो। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई है और महागठबंधन ने जो वादे किए थे वो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे थे, क्योंकि अभी भी इसका पूरा तो करने की बात दूर, इसके लेकर कोई जिक्र भी नहीं किया गया। पोस्टर में सीधे सीधे लिखा गया है कि महागठबंधन ने सिर्फ ठगा है। किसानों के कृषि ऋण को माफ करने का वादा जो किया था, लेकिन अभी तक कोई इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। बिजली निजीकरण को समाप्त करने तथा 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन अभी तक दी नहीं गई है और न ही बिजली को निजीकरण से मुक्त कराया गया है। बेरोजगार युवकों को 1500 रुपया तथा होनहार बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका भी कोई जिक्र जो है महागठबंधन सरकार के द्वारा नहीं की गई है। साथ ही साथ टोला सेवकों और मिड डे मील कर्मियों को स्थायी सरकारी नौकरी बहाल करने की भी घोषणा की थी महागठबंधन सरकार, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई बात भी नहीं किया। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो भाजपा ने कई मुद्दों को लेकर यहाँ पोस्टर के जरिए महागठबंधन पे जो है कटाक्ष किया है, जो कि भाजपा कार्यालय के बाहर दो दो पोस्टर लगाकर किया गया है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन कुछ महीने पहले जब से भाजपा और जदयू का गठबंधन टूटे और उसके बाद से महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा लगातार जो है महागठबंधन सरकार पे हमलावर है और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि इसी का परिणाम ये है कि कुढ़नी में हार हुई है महागठबंधन की, क्योंकि जनता को सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार जो है वो ठगने का काम की है, जिसी का परिणाम बिहार की जनता ने दिया है महागठबंधन को कुढ़नी में चुनाव हरा करके। अगर इस प्रकार की जो योजनाएं जो है लाई गई है महागठबंधन के द्वारा, जो घोषणा की गई थी, इसको क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, नहीं तो 2024 में इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। और ये पोस्टर के जरिए जो है बार किया गया है महागठबंधन सरकार पे। अब देखने वाली बात है ये है कि इसके बाद जो है महागठबंधन का क्या रुख होता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।